जैसा कि आप अवगत हैं, दिनांक 12 अगस्त 2022 को आज मतलब विभिन्न पोस्ट कोड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन त्यागराज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और जिसमें से वहां जो अभ्यर्थी पहुंचे उन्हें टोकन आदि प्रदान किया गया। वो टोकन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया गया, और संभावित है कि आगे चल करके हो सकता है जिसकी जो रैंक है उसके अनुसार टोकन प्रदान किया जाए, उसी के तहत उनको एंट्री होती है। और जिनके भी ऑफर आप अपॉइंटमेंट इशू हो गए हैं, जिनके पास वो अपॉइंटमेंट लेटर है, उन्हीं को स्टेडियम में एंट्री मिल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पोर्ट स्टेडियम है त्यागराज स्पोर्ट स्टेडियम आज, जिसमें विभिन्न कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु पहुँचे थे। लगभग 7 पोस्ट कोड का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी, दोनों साइड की फोटोकॉपी का सेट लेकर के जाना था एक सेट, और अटेस्टेशन फार्म के 3 सेट, और एक सेट जो था सत्यापन वाला फार्म था। ये आप देख पा रहे हैं जो मूल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले जाना था, 3 अटेस्टेशन फार्म की कॉपी और 3 सेट, और उसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन अर्थात एक्सेप्टेंस फार्म की 1 कॉपी, जिसमें गजेटेड ऑफिसर का भी साइन होना आवश्यक, गजेटेड ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है, और उसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपने ईडोजियर में फिल करते समय अपलोड किया था ईडोजियर में, और उसके अलावा ऑफर आप अपॉइंटमेंट जो आपको इशू हुआ है, ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि आज लगभग 1 से 1.5 घंटा एक एक व्यक्ति का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में लगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही जिन भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां पाई गई, उनको डिफिशियंट डॉक्यूमेंट के संबंध में तुरंत उनको ईमेल भेजा गया है, और उसके संबंध में उन्हें बाई पोस्ट भी डिफिशियंस डॉक्यूमेंट के संबंध में बाई पोस्ट भी उनके पास लेटर भेजा जाएगा। और आप सब देख सकते हैं, एक सोशल साइंस मेल कैटेगरी के अंतर्गत एक कैंडिडेट 39 और 21 के तहत, जिसमें डिफिशियंसी जो फाउंड हुई थी, मिसमैच इन नेम द कॉलेज इन द NCTE सर्टिफिकेट, मतलब जो कॉलेज का नाम है NCTE सर्टिफिकेट में मैच नहीं हो रहा है, जो ओरिजिनल कॉलेज का नाम है और जो NCTE सर्टिफिकेट में कॉलेज का नाम है उससे मैच नहीं हो रहा है, इसके संबंध में डिफिशियंसी इशू की गई है, और 15 दिन का समय भी दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आप जो है अपनी बात को सत्यता के साथ DTPLSV ऑफिस पर रखें, या आप जो है या सिद्ध करें कि मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही है। तो सबसे बड़ा अच्छी बात यह है, उचित यही है कि जिन भी कैंडिडेट्स का अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटियां हैं, वो निश्चित रूप से वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी सही करा लें, जिससे कि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात ये भी देखने में आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही कैंडिडेट्स को
मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भी आवंटित किया जा रहा है और उसको टाइम भी दिया जा रहा है कि इस डेट तक जो है आप अमुख मेडिकल में अमुख हॉस्पिटल में पहुंचकर अपना मेडिकल कराएं। देख सकते हैं आप, ये देखिए आप TGT सोशल साइंस मेल में ही लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को कि आप 27 अगस्त से पहले आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट DDU हॉस्पिटल शहीद मंगल पांडे मार्ग नानकपुरा हरिनगर दिल्ली जो है पहुंच करके 27 अगस्त से पूर्व अपना मेडिकल कराएं और इस संबंध में मेडिकल लेटर आपको जो है बाकायदा स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजा जा रहा है और ये ऑनलाइन तुरंत ईमेल आया है DV के बाद में आप देख पा रहे हैं। यह वीडियो आप जिन भी कैंडिडेट्स का जिन भी पोस्ट कोड का भी DV नहीं हुआ उनके लिए उपयोगी है। आप सावधानी से आगे यदि आपका होने वाला है DV तो सावधानी से वहाँ जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं जिससे किसी प्रकार की सुविधा का सामना ना करना पड़े। कि आप इसके अलावा TGT उर्दू पोस्ट कोड 52/21 का भी जो है ये DV हुआ है आज ही और बाकायदा मैसेज आया है मेडिकल के लिए कि लोकनायक हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू मार्ग दिल्ली गेट न्यू दिल्ली 30 अगस्त 2022 से पहले आप जो है इन कैंडिडेट को ये बोला गया है 30 अगस्त से पहले आप इस हॉस्पिटल में पहुंचकर अपना मेडिकल करवाएं। और इस संबंध में जो मेडिकल लेटर है आपको बाई पोस्ट भी भेजा जाएगा, फिजिकल कॉपी ऑफ मेडिकल लेटर विल बी सेंड टू यू बाई स्पीड पोस्ट सून। एफिशिएंसी और भी देखने को मिल रही है, आप देख पा रहे हैं ये TGT इंग्लिश मेल पोस्ट कोड 50/21 के तहत आई है जिसमें लिखा गया है क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पासिंग बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। मतलब पूछा गया है कि इन कैंडिडेट्स ने 15 साल में जो 12वीं माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की थी उस संबंध में क्लेरिफिकेशन मतलब इनसे जो है पूछताछ की गई है कि आप साबित करें कि आपने 15 वर्ष की उम्र में माध्यमिक शिक्षा मतलब इंटरमीडिएट पास कर लिया था और इसके लिए इनको 15 दिन का समय भी दिया गया है और डेफिशिएंसी मेमो लेटर जारी किया गया है आप बाई ऑनलाइन बाई ईमेल पर भेजा गया है। ये इनको बाई स्पीड पोस्ट के माध्यम भी से भी इनके पते पर भेजा जाएगा या भेज दिया गया होगा आज। तो ये रहा आज का जो है जो DV हुआ है उसके संबंध में कुछ सूचना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन भी पोस्ट कोड का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है उन सभी अभ्यर्थियों को उनका फाइनल रिजल्ट में रोल नंबर शो हो, वो सफलता प्राप्त करें और अतिशीघ्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत अपने कॉलेज पहुँचे। एक और सूचना सुनने में आ रही है कि जिन भी पोस्ट कोड का डॉक्यूमेंट आज दिनांक 12 अगस्त 2022 को हुआ है उन्हें इसी माह के अंत तक हो सकता है कॉलेज अलाट कर दिया जाए। तो ये जो है खबर सुनने में आ रही है, कितनी सत्य है कितनी असत्य है अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, बस इतना सुनने में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को।